नमस्ते, मेरा नाम है जी मंडल एंड आज का जो वीडियो है वो दुबई टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो टूरिस्ट दुबई का यूएई का टूरिस्ट वीज़ा कम से कम लो कॉस्ट में कैसे मिलेगा? जैसे भी आप अगर बाहर से किसी के एजेंट के थ्रू आप अगर दुबई का टूरिस्ट वीज़ा लेंगे तो मिनिमम आपको अराउंड 10 to 20,000 आपको लग जाएगा। मैंने एक वेबसाइट भी मैंने विजिट किया था जहाँ पे मेंशन है विद लो कॉस्ट के साथ आपको मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा 30 दिन का, 30 डेज का। कितना में वहाँ पे जाकर मैंने कैलकुलेशन किया 17,500 ऐसे कुछ है। लेकिन मैंने आज एक जेन्युइन वे में बताऊंगा जिसके थ्रू आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो एक ऐप के थ्रू, जहाँ पे आप मोबाइल के ऐप के थ्रू कर सकते हो एंड जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि मैं कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ मेरा चैनल की तरफ से, क्योंकि इसमें मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला एंड जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कुछ मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं भी करता हूँ, मैं भी गया था। तो आज एक मैं ऐप के बारे में बात करूँगा जिस ऐप के थ्रू आप आपका जो वीज़ा है, आप टूरिस्ट वीज़ा है सब कंट्री का मिलता है टूरिस्ट वीज़ा। अगर पर्टिकुलर में दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ तो दुबई का टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री आपको मिल जाएगा, 30 दिन का, 1 महीने का आपको मिल जाएगा, 6,000 में मिलेगा आपको, 6,100 ऐसे कुछ में आपको मिलेगा। सिंगल एंट्री है, ओके, सिंगल एंट्री है 6,100। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ऐप है बहुत पॉपुलर है लेकिन सब लोग का पता नहीं, जो इसके थ्रू आपको वीज़ा मिल सकता है, ओके। तो नाम है मेक माई ट्रिप। मैं इस ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता प्रमोट करने के लिए। एंड तो जो ऐप है मेक माई ट्रिप है, आपको डाउनलोड है तो बहुत बढ़िया है। तो आपको मेक माई ट्रिप जाने के ऐप में जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने का मिलेगा वीज़ा सर्विस, BISA वीज़ा सर्विस, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा। तो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के बाद अगर पर्टिकुलर में दुबई के बारे में बात कर रहे हो तो नीचे आके आपको UAE टूरिस्ट वीज़ा, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंगल एंट्री का कितना फीस है एंड मल्टीपल एंट्री का कितना फीस है एंड सिंगल एंड मल्टीपल एंट्री। अगर आपको पता नहीं तो मैं इसके बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा, ओके, आप देख सकते हो सिंगल एंड मल्टीपल एंट्री। तो सिंगल एंट्री का आपको लग जाएगा 6,100 ऐसे कुछ, मैंने पहले भी बताया था। मल्टीपल एंट्री का आपको लग जाएगा 17,000 क्योंकि मल्टीपल एंड सिंगल एंट्री का बहुत डिफरेंट होता है। तो सिंगल एंट्री का जो सब लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ एंड मैं भी प्लान कर रहा हूँ 2 महीने के बाद जाऊँगा, तो सिंगल एंट्री लेके जाऊँगा मैं 1 महीने का। वहाँ पे आपको 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है, फ्लाइट का फेयर भी मिल सकता, सॉरी फ्लाइट का टिकट भी मिल सकता है आपको वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सब कंट्री का मिलेगा, सब कंट्री का आपको टूरिस्ट वीज़ा वहाँ से मिल जाएगा विद इन लो कॉस्ट के साथ। आपको किसी एजेंट के थ्रू आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर दुबई में जाना चाहते हो जॉब के रिगार्डिंग, जॉब के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा कम से कम लो कॉस्ट में आप बुक करके जा सकते हो, जिसमें आपको कुछ एजेंट को तो देना तो नहीं पड़ेगा। 6,100 बहुत लो कॉस्ट है। तो मैंने बहुत सारे, मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे मैंने वेबसाइट मैंने विजिट किया जहाँ पे बोलते हैं लो कॉस्ट है एंड जेन्युइन भी नहीं है, पैसा डूब भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेन्युइन है तरीका है जहाँ पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको, पहले और एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको जाना पड़ेगा वीज़ा सर्विस में, मेक माई ट्रिप में वीज़ा सर्विस, वहाँ पे मेक माई ट्रिप वीज़ा सर्विस में टूरिस्ट वीज़ा ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर वहाँ पे जाके आपको UAE वीज़ा में आपको क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सिंगल एंड मल्टीपल जो आपको चाहिए सिंगल में रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि सब लोग सिंगल में जाते हैं, मल्टीपल का बहुत अलग है। तो सिंगल टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे जाके आप स्टेप बाय जो करना है कर दीजिए, आप हो जाएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग्स दैट, आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको फ्लाइट टिकट आपको बुक करना पड़ेगा, जैसे भी होटल मोटल कुछ भी बुक नहीं करना पड़ेगा, आपको जो फ्लाइट टिकट है आपको बुक करना पड़ेगा। एंड आपको तो पासपोर्ट की जरूरत है, बस दो रिक्वायरमेंट है, एक आपको फ्लाइट टिकट आने जाने का टूरिस्ट वीज़ा आने जाने का फ्लाइट टिकट जरूरत है आपको, जो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटो। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। सो हैव अ नाइस डे।